नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज 24। जीते जी स्वर्ग देवलोकों और ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला रास्ता बताने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग में बताया कि जब ध्यान भजन सिमरन करने लगोगे तो अंतर में गुरु के दर्शन होने लगेंगे, फिर गुरु की फोटो देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा तो काम ही गुरु भक्ति करना और गुरु भक्ति सिखाना है। हमारा काम क्या है? गुरु भक्ति करना और गुरु भक्ति सिखाना। आप ये समझो, पूरा गुरु के आदेश का पालन करने की कोशिश किया। जब से गुरु महाराज के पास आया, उनकी मर्जी के खिलाफ एक भी काम यानी समझो कि कोशिश यही किया कि न करूं। अब कहीं यानी समझो कि कोई गलती ऐसी किसी के समझ में आ गई और उन्होंने गुरु महाराज से अगर कोई बात बता भी दिया, कह भी दिया, गुरु महाराज ने यानी सजा भी दिया, लेकिन समझो कि हाथ अंदर से लगाए रहे। जैसे कहा गया कि गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, कड़ी कड़ी काढ़ है खोट, अंतर बा अंतर हास राय है बाहर मारे चोट। कुम्हार होता है, कुम्हार गाढ़ा बनाता है, तो मिट्टी को पीट पीट करके और सुंदर सुडोल घड़ा बना देता है जिसमें पानी रख दो, बढ़िया ठंडा पीते रहो, लेकिन छोकते पीटते समय अंदर हाथ लगाए रहता है कि कहीं ये टूट न जाए। ऐसे ही गुरु मिले हमको, अब तो सब अनुभव हो रहा है कि हाथ बराबर लगाए रहे। बाहर से तो ठोक पीट भी किए, डांटे भी, फटकारे भी, और जो बर्दाश्त करने लायक शरीर से वो सजा भी दिए, तभी तो आज आपके सामने आने लायक में बन पाया, आपसे कुछ कहने लायक बन पाया। और गुरु महाराज को जब विश्वास हो गया, तब गुरु महाराज ने घोषणा कर दी। जब उनको इस चीज की जानकारी हो गई कि यह हमारी संगत को संभाल लेगा, यह सबसे प्रेम करेगा, इसको जीवात्माओं के बारे में जानकारी हो गई है कि जीवात्मा कौन है यानी समझो परमात्मा कौन है, जब इसकी जानकारी इसको हो गई तो गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुराने लोगों की संभाल करेंगे। गुरु महाराज ने अपने जाने से पहले ही, बहुत पहले ही